शुरुआत करांगे सब तो अहम खबर दे नाल ते सब तो ज्यादा दुखदाई खबर एसजीपीसी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी दी गड्डी उते हमला होया। जी हां, एसजीपीसी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी मोहाली नेड़े लगे कौमी इंसाफ मोर्चे दे विच पहुंचे हुए सन ते इस दौरान कुछ हुल्लड़बाजां वल्लों हरजिंदर सिंह धामी दी गड्डी उते वार कीते गए ने। जी हां, एसजीपीसी दी गड्डी नूं निशाना बनाया गया है। हरजिंदर सिंह धामी दी गड्डी उते पत्थरबाजी हुई है, डंडियां दे नाल तलवारां दे नाल पत्थरां दे नाल वार कीते गए ने। हरजिंदर सिंह धामी दी गड्डी उते हमले वाली थां उते पुलिस भी पहुंची है। एसजीपीसी दी 4:30 बजे चंडीगढ़ दे विच प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उस तो बाद एसजीपीसी दे वल्लों इस मामले दे विच जानकारी सांझी की जाएगी। पर हाल दी घड़ी च जानकारी दे दिए कि बेहद ज्यादा दुखदाई, बेहद ज्यादा निंदणयोग घटना है, क्योंकि मंगा दोहां दीआं इक्को ने। एसजीपीसी भी इक्को मंग कर रही है कि बंदी सिंघां नूं रिहा किया जाए, उधर इंसाफ मोर्चा भी यही मंग कर रहा है कि बंदी सिंघां नूं रिहा किया जाए। तो पर बावजूद इस दे जदों एसजीपीसी मैंबर उत्थे पहुंचे सन, प्रधान उत्थे पहुंचे सन, आखिर उन्हां दी गड्डी उत्ते वार क्यों किया गया अगर मुद्दे सेम ने। हालांकि जरूर हो सकता है कई बार किसी गल नूं लैके कोई तलखी हो सकती है, उन्हां मसले नूं सुलझाया जा सकता है मीटिंग्स दे विच किसी ना किसी ढंग दे नाल, पर इक मोर्चे दे विच पहुंच के हुल्लड़बाजां दे वल्लों वार करना, वह भी प्रधान उत्ते एसजीपीसी दे, किते भी जायज नहीं। इस घटनाक्रम नूं ठहराया जा सकता, वाकई बेहद ज़्यादा निंदणयोग घटना है। एसजीपीसी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी फिलहाल ठीक ने, सेहतयाब ने, अपने घरे अपने टिकाने उत्ते पहुंच चुके ने। हरजिंदर सिंह धामी एसजीपीसी प्रधान, हालांकि कुछ तस्वीरां आईयां ने तो उन्हां जरूर संचय करते हैं जो देखने को मिले इस दौरान के इस काफले दे विच अपने काफले दे नाल हरजिंदर सिंह धामी अगे वध रहे सन। इस मोर्चे दे विच कुछ प्रबंधकां दे नाल कुछ लोगों के नाल राबता कायम किया जाना सी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी दे वल्लों, पर कुछ लोग कुछ हुल्लड़बाज आते ने उत्थे माहौल बिगाड़न की कोशिश करते हैं। इन्ना ही नहीं, उत्थे मौजूद इस काफले उत्ते हरजिंदर सिंह धामी की गड्डी उत्ते डंडियां दे नाल पत्थरां दे नाल इत्थों तक कि तलवारां दे नाल भी वार कर दिते जाते हैं। जी हाँ, तलवारां तक दे नाल भी वार करने की कोशिश की जाती है, जिस तों बाद गड्डी का पिछला हिस्सा पूरी तरह दे नाल चकना चूर हो चुकी है। यह साफ देखा जा सकता है तस्वीरों के राही, हरजिंदर सिंह धामी की यह गड्डी जिहड़ी बुरी तरह के नाल चकना चूर हुई दिखाई देखने मिल रही है। तो दूसरे पासे और तस्वीर भी सामने आई, तमाम जिहड़े गड्डी दे विच मौजूद सन उन्हां दी जान नूं ध्यान दे विच रखदे होए अपना काफला अगे लैके वधदे हुए नजर आए ने। पर मौके ते पुलिस पहुंच चुकी है, सब तो पहला तां शीशे साड़े ने। कुछ होर तस्वीर आईयां ने तुहानूं सांझे करदे हां, उत्थे तां मौजूद शीशे नूं चुक लिता गया, पुलिस उत्थे पहुंची हुई है, जांच पड़ताल की जा सकती है, जांच पड़ताल की जाएगी। पर देखने नूं मिल रहा है साफ तौर पर कि किवें लोग इत्थे बुरी तरह के नाल मारू रूप उतारने दे विच लगे हुए सन। एक्सक्लूसिव तस्वीर पीडीसी न्यूज़ तुहानूं सांझे कर रहा है, हरजिंदर सिंह धामी की गड्डी उत्ते हमला होया, गड्डी का पिछला शीशा बुरी तरह के नाल तोड़ दिता गया। इन्ना ही नहीं, हरजिंदर सिंह धामी नूं बाहर कढ़ने की कोशिश की गई, इन्ना शरारती अंसरां दे हत्थां दे विच डंडे सन, तलवारां सन, पत्थर सन, पता नहीं कि मंशा दे नाल इत्थे पहुंचे हुए सन। मंगा जदों एक ने तो आखिर कि गल नूं लैके विवाद इत्थे होया कि बुरी तरह दे नाल वार किते गए। हालांकि पीडीसी न्यूज़ इस कौमी इंसाफ मोर्चे नूं पहले दिन तो ही कवर करता है। हरजिंदर सिंह धामी भी इत्थे पहुंचे हुए सन, बंदी सिंघां दी रिहाई दी मंग कीती जा रही है लगातार इस मोर्चे दे वल्लों भी। तो दूसरे पासे एसजीपीसी वल्लों भी वख-वख समय ते मुहिमां चलाईआं गईआं सन, हस्ताक्षर मुहिम भी चलाई गई है। तो पर बावजूद इस दे उत्ते हमला होना किते भी इस घटनाक्रम नूं जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। रविंदर मीत बन चुके ने, रविंदर जानना चाहवांगे प्रबंधक की कह रहे ने, पुलिस की कह रही है, उत्थे मौजूद लोग जिहड़े उत्थे मौजूद सन की कह रहे ने, सब जानना चाहवांगे तुहाडे नाल। बिल्कुल, देखो काफ़ी कुछ ही समय पहला पुलिस की टीम इतने पहुंची सी, सीनियर अधिकारी इस टीम के शामिल सके, तो पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। हालांकि एसजीपीसी के सब ऑफिस 4:30 बजे एसजीपीसी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी उन्हों वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी, तो रुख स्पष्ट किया आखिरकार देखते ने आखिरकार की कारण समझते हैं कि ये हमला होया, तो इस तरीके नाल धक्का मुक्की भी की गई, गड्डी के शीशे भी तोड़े गए, तो इस पिछे की वो समझते हैं कि इस पिछे राजनीति है या फिर कोई होर शरारती अंसर ने, कुछ ऐसिया ताकत ने जिहड़ियां पंजाब की शांति को भंग करना चाहुंदियां ने। तमाम चीज़ें हाले तक कुछ देर च स्पष्ट होणगियां,
पुलिस वालों भी इस पूरे मामले के स्पष्ट कर दिया जाएगा, स्पष्ट दसा जाएगा कि आखिरकार ये होया क्यों। तो हम तस्वीर भी दिखा देने अपने दर्शकों, ये वही जगह हैगी है जिथे कुछ समा पहला करीब करीब डेढ़ दो घंटे पहला SGPC प्रधान हरजिंदर सिंह धामी पहुँचते हैं, गाड़ी चो उतरते हैं, उतरद्या सारे कुछ लोग उन्होंने आले दुआले आते हैं, कुछ सवाल कर लगते हैं, तो बिना सवालों के जवाब लिया ही अटैक कर दिता जाता गाड़ी पर, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए जाते हैं, धक्का मुक्की भी की जाती है। तो SGPC प्रधान हरजिंदर सिंह धामी उत्ते इस तरीके का हमला होना, ये मायने की है, ये पिछे कौन शक्तियां ने या फिर कारण की है, ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के स्पष्ट होएगा कि आखिरकार ये पूरा हमला क्यों होया। कुछ समय के स्पष्ट चीज़ा हो, हालांकि कुछ चीज़ा उदों भी स्पष्ट हो जाएगियां जदों हरजिंदर सिंह धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 4:30 बजे SGPC के सब दफ्तर Sector 5 के, तो वह चीज़ें कुछ देर स्पष्ट हो, लेकिन हाल फिलहाल ये अपने दर्शकों को अपडेट जरूर दे दें कि कुछ समा पहला जिथे इतने स्थिति तनावपूर्ण सी, तनाव दियां तस्वीर इतने सामने आई सी, तो हुण ये लाइव तस्वीर बिल्कुल शांतमई तरीके इस समय इत्थे तमाम संगत पहुँच रही है। मसला जिस मसले की तुम जिक्र भी की, गलबात भी की, बंदी सिंह की रिहाई का, बेअदबी दे इंसाफ का, यह मसला सब तो वड्डा मसला इस पक्के मोर्चे दे विच, कौमी इंसाफ मोर्चे दे विच सब तो मोहरी हैगा। तो इस मसले नूं लैके ही लगातार SGPC भी स्पष्ट कर दी आई है चीज़ा कि बंदी सिंह की रिहाई होनी चाहिए है, लड़ाई लगातार लंबे समय तो लड़ी जा रही है, अकाली दल वालों भी लड़ी जा रही है, उत्थे इस कौमी इंसाफ मोर्चे वालों भी ये लड़ाई का आगाज़ किया गया, करीब करीब जो 11-12 दिन पहला इतने मोर्चे की शुरुआत की गई सी, पक्का मोर्चा लगाया गया सी, टेंट पक्के लगाए गए सी, असीं शुरू तो ही इतों दीआं तस्वीरां दिखा रहे हैं अपने दर्शकों नाल सांझियां कर रहे हैं कि आखिरकार इस मोर्चे दे रूपरेखा की रहेगी या इस मोर्चे दे विच मुद्दे की रहेंगे, असी लगातार अपने दर्शकों नाल सांझे करदे आए हैं। तो अज भी तस्वीर असी अपने दर्शकों नाल सांझियां कर रहे हैं, हालांकि ये जो घटनाक्रम होया इहदे पिछे की कारण ने, कोई बहुत वड्डी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसी तो नहीं हैगी कि पंजाब की शांति नूं भंग किया जा सके, या फिर कोई होर पोलिटिकल जिहड़ा इरादे तो नहीं हैगे कुछ लोगों के कि इस तरीके का माहौल क्रिएट करके कोई पोलिटिकल वायलेंस लिया जा सके, ये तमाम चीज़ों के पिछे है की चीज़, पिछे की पिक्चर की हैगी है, इस चीज़ को लैके हाले तक इन्वेस्टिगेशन होएगी। हालांकि SGPC प्रधान भी बहुत चीज़ा स्पष्ट कर सकते हैं, कुछ ही समय के भी मीडिया के मुखाते फोनगे, गलबात करेंगे मीडिया के नाल, मीडिया के सवालों के जवाब भी देंगे, अपनी गल भी रखेंगे मीडिया के सामने, लेकिन पुलिस का पक्ष इतने बेहद ज़्यादा अहम हैगा, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले के इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिरकार जिहड़े लोग आते हैं, जिहड़े लोग आ के इतने अटैक करते हैं, गड्डी के शीशे तोड़ते हैं, धक्के मारते हैं, अज ही आए सी इस मोर्चे दे विच, या फिर इस तो पहला भी लगातार आउंदे रहे आ, या कदों तो इस मोर्चे नाल जुड़े हुए सी, या फिर उन्हां दा मंतव की सीगा, ये प्रबंधक भी स्पष्ट कर सकते ने। हाल फिलहाल SGPC प्रधान कुछ ही देर दे विच प्रेस कॉन्फ्रेंस करनगे जी। ठीक है, फिलहाल ही थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर इस तमाम जानकारी के लिए। सो अपने दर्शकों तक सारी दी सारी तस्वीर एक बार फिर तो साफ कर दिंदे आ कि कुछ चल रहा उत्थे। फिलहाल पुलिस पहुंची हुई है मौके ते, पुलिस दे वल्लों खंगालिया जा रहा है। चंडीगढ़ बॉर्डर के उत्ते पिछले कई दिनों तो लगातार बंदी सिंघां दी रिहाई अते बेअदबियां दे मसले ते इंसाफ दी मांग नूं लैके पक्का मोर्चा लग्या होया। कौमी इंसाफ मोर्चा दे विच अज SGPC प्रधान हरजिंदर सिंह धामी पहुँचते हैं, तो उन्हां दी गड्डी दे उत्ते अटैक हो जाता है, उन्हां दे उत्ते अटैक हो जाता है, धक्के मारे जाते हैं अते गड्डी दे शीशे तक तोड़े जाते हैं। तो इस मसले दे विच हुण पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो तस्वीरां इस समय मौजूदा दिखा दें, इस कौमी इंसाफ मोर्चे दी तस्वीर, ये उही जगह हैगी है जिथे हरजिंदर सिंह धामी आके पहुँचते हैं, तो उन्हां दी गाड़ी दे उत्ते अटैक किया जाता है, उन्होंने कई सारे सवाल किए जाते हैं, तो कुछ लोगों वालों अटैक कर दिया जाता। तो इस जगह उत्ते जो शीशे सीगे उन्होंने साफ कर दिता गया बिल्कुल तरीके नाल, जिहड़े शीशा कच इत्थों चक दिता गया। तो इस मसले दे विच पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस की टीम इत्थे पहुंची हुई है, वो टीम दीआं तस्वीरां भी तुहानूं दिखावांगे इस पूरे मसले दे उत्ते इन्वेस्टिगेशन कर रहे कि आखिरकार जिहड़े लोगों ने अटैक किया वो कदों तो इत्थे मोर्चे दे विच आ रहे सीगे, की उन्हां दा मंतव सीगा, की वाकई ही बंदी सिंघां दी रिहाई दे
मसले के उत्ते संवेदनशीलता रखते सी या फिर वो लोग कौन सी, कोई शरारती अंसर तो नहीं सी, कुछ ऐसा शक्तियां तो उन्होंने पिछे नहीं सी जिहड़ियां पंजाब की शांति भंग करते होने। सामने तस्वीर ने मोहाली पुलिस की टीम इत्थे पहुंची हुई है, डी एस पी सीधे अधिकारी इत्थे पहुंचे हुए ने। पूरे मामले दे विच जांच की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही कि आखिरकार कारण की सीगे, क्योंकि बेहद ज़्यादा संवेदनशील मसला हैगा अते इस मसले की जांच होनी बेहद ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एस जी पी सी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ते इदा हमला होना एक बहुत वड्डी कॉन्सपरेंसी भी हो सकती है, भरा मारू जंग या फिर सिखां नूं सिखां नाल लड़ाउण दी या फिर पंजाब दी शांति भंग करन दी मंतव हो सकते ने इस पूरे अटैक के पिछे। लेकिन पुलिस इस मसले दे विच जांच करेगी, जल्द ही जांच दे विच कुछ स्पष्ट होएगा। हालांकि हरजिंदर सिंह धामी वो भी जदों मीडिया के सामने आके बयान देंगे कि आखिरकार वो इस अटैक बारे की सोचते ने, या फिर जो इस इंसाफ मोर्चे की प्रबंधकों की टीम हैगी वो की जानकारी देंगे ने, इन तमाम चीज़ों हले तक पुलिस वालों इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल इस समय इस मोर्चे के शांतमई माहौल बनिया होया, हालांकि कुछ समय के लिए जोड़ा है कुछ तनाव जरूर क्रिएट होया। कैमरामैन तुलसी मेहरा देना, रविंदर मीत, पी टी सी न्यूज मोहाली। सो लगातार इस मामले के अपडेट पहुँचाते रहेंगे, पर इतने रुकेंगे एक ब्रेक लिए, जल्द हाजिर होंगे।